अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है सर समीर रमजान एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने वाला हूँ जो कि इंग्लिश के प्रीपोजिशन के हवाले से है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि आगे वाले पार्ट्स में इसके बनाऊँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 1 शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम, इंग्लिश प्रीपोजिशन MCQs पार्ट नंबर 1। दोस्तों ये आज की नई वीडियो है प्रीपोजिशन के हवाले से, इंग्लिश के पार्ट नंबर 1 में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1, ही विल बी विथ यू डैश अ मोमेंट। ये आपके साथ जो है कुछ मोमेंट में होगा। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन से प्रीपोजिशन में ऑफ, इन, अबाउट या फिर ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन। ही विल बी विथ यू इन अ मोमेंट, यानी कि ये आपके साथ जो है कुछ वक्त में आपके साथ होगा। MCQ नंबर 2, द न्यू स्टोर ओपन्स डैश बिजनेस इन मार्च। नया एक स्टोर ओपन होगा बिजनेस के हवाले से मार्च में। तो उसमें प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, ऑफ, इन, अबाउट या फिर फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर। द न्यू स्टोर ओपन्स फॉर बिजनेस इन मार्च। MCQ नंबर 3, आई वॉज रॉब्ड डैश माई वे होम। मैं अपने घर के रास्ते से, जब मैं अपने घर के रास्ते जा रहा था तो मुझसे जो है रॉबरी की गई, यानी मुझसे कुछ छीना गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, जो है प्रीपोजिशन कौन सी आएगी इसमें। ऑप्शंस हैं इन, फॉर, ऑन या फिर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन। जब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जहाँ पे ऑन माई वे वे की बात आए तो उसमें जो है ऑन प्रीपोजिशन लगती है। MCQ नंबर 4, द सिचुएशन इज डैश कंट्रोल। सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। ऑप्शन से इन, ओवर, ऑन या फिर अंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडर। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, यानी कि सिचुएशन उनके जो है कंट्रोल में है। MCQ नंबर 5, डैश द ईयर्स थिंग्स गॉट बेटर। यानी कि सालों के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती जा रही हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा, प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, इन, ओवर, फॉर या फिर ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओवर। ओवर द ईयर्स थिंग्स गॉट बेटर। MCQ नंबर 6, हमजा वाज स्टैंडिंग डैश द फ्रंट ऑफ द क्यू। हमजा जो है क्यू के आगे जो है वो खड़ा था, यानी कि लाइन के आगे खड़ा था। तो इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इन, ऑन, एट या फिर फॉर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एट। हमजा वाज स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, यानी कि हमजा जो है लाइन की आगे वाली जो है वो रो में खड़ा था, आगे खड़ा था लाइन के। MCQ नंबर 7, शी लर्न द पोएम डैश हर्ट। उसने जो है पोएम सीखी दिल से। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, थ्रो, अबाउट, बाय या फिर टू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाय। शी लर्न द पोएम बाय हार्ट। MCQ नंबर 8, आई नीड सम टाइम डैश थिंक इट ओवर। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने में। तो इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू, ऑफ, इन या फिर फॉर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू। आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर, मुझे कुछ वक्त चाहिए इस पर सोचने में। MCQ नंबर 9, द पार्सल वॉज डिलीवर्ड डैश हैंड। पासवर्ड जो है वो उसको हाथ में डिलीवर किया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन एम जो है प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, टू, इन, बाय या फिर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैंड। द पार्सल वॉज डिलीवर्ड बाय हैंड, यानी कि हाथ के जरिए उसको जो है वो पार्सल जो है डिलीवर किया गया। MCQ नंबर 10, शी वेंट इनटू हॉस्पिटल डैश किडनी सर्जरी। वो अस्पताल के लिए गई, किडनी की सर्जरी के लिए गई। तो इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, अबाउट, ऑफ, बाय या फिर फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर। शी वेंट इनटू हॉस्पिटल फॉर किडनी सर्जरी। MCQ नंबर 11, कम ओवर डैश हैव डिनर। आइए तो डिनर करते हैं, आइए यहाँ पे हम डिनर करते हैं, रात का खाना खाते हैं। तो इसमें कौन सा जो है वो ऑप्शन, कौन सी प्रीपोजिशन इसमें आएगी। ऑप्शन से हैं फॉर, ऑफ, टू या फिर इन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू। MCQ नंबर 12, द सोल्जर्स वर सेंट डैश द फ्रंट टू फाइट। सिपाही भेजे गए आगे फाइट करने के लिए। ऑप्शन हैं अबाउट, ऑफ, टू या फिर इन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू, टू द फ्रंट ऑफ द फ्रंट टू फाइट।
एमसीक्यू नंबर 13, द फिल्म वॉज डिफरेंट डैश वाट आई हैड एक्सपेक्टिंग, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था तो उससे फिल्म जो है वो मुख्तलिफ थी। इसमें प्रपोजिशन कौन सी आएगी, अबाउट, फार, इन या फिर फ्राम, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्राम। फिल्म जो मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे डिफरेंट थी, मुख्तलिफ थी। एमसीक्यू नंबर 14, हिज सक्सेस वॉज ड्यू डैश द सपोर्ट ही गाट फ्राम द टीम, इसकी जो टीम ने सपोर्ट की तो इसकी वजह जो थी, उसकी सक्सेस की वजह जो थी, उसने टीम जो इसको सपोर्ट की तो ये वजह थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा फार, टू, इन या फिर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है टू, ड्यू। याद रखिए कि ड्यू के साथ हमेशा टू लगता है। एमसीक्यू नंबर 15, ही इज सफरिंग डैश कैंसर, वो सफ़र कर रहा था कैंसर में। ऑप्शन हैं फार, टू, फ्राम या फिर विथ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपके पास मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आसानी से पहुँच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।